कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, देखो इस चैप्टर में आपको बोला गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। तो एटम के बारे में अभी हम सबको पता है एटम किस तरीके का होता है, ये पता है हमें। एज वी नो दैट द एटम हैविंग अ सेंट्रल कोर दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ओके, आज की प्रेजेंट कंडीशन में हमें एटम के बारे में ये पता है। ठीक है, वैसे न्यूक्लिया भी पता है, न्यूक्लियस जो होता है या न्यूक्लियाई जो बोलेंगे, न्यूक्लिया न्यूक्लियस के अंदर में जो चीज़ें रहेंगी या किस तरीके का न्यूक्लियस रहेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहेंगी, ये सब जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली देर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के साथ में होती है। ठीक है, इसको एक और नाम दिया गया है प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और वी कैन से दैट प्लम पुडिंग मॉडल। तो इनका ये जो मॉडल था, मॉडल किससे रिलेटेड है, एटम से रिलेटेड है। तो ये जो एटम से रिलेटेड मॉडल है उसके बारे में इन्होंने क्या बताया, थॉमसन्स ने क्या बताया। तो थॉमसन ने ये बताया कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है एक स्पेरिकल शेप की समान होता है, स्ट्रक्चर जो होगा एटम का एक स्पेरिकल शेप के समान होगा, स्पेरिकल होगा, जिसमें कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज जो रहेंगे ऐसे कंप्लीटली इसमें पॉजिटिवली ये पूरे स्पेयर में जो है आपको देखने को मिलेंगे। पूरा जो स्पेयर यहाँ पे बन रहा है, ये पूरा किस तरीके से बना हुआ रहेगा, तो ये पूरा बना हुआ रहेगा पॉजिटिवली चार्जेस से ये पूरा फिल्ड रहेगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्जेस से ये पूरा ऑक्यूपाई रहेगा एक स्पीयर, ऐसा उन्होंने बोला। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो एम्बेडेड रहेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हैं जिसके ऊपर में ये इलेक्ट्रॉन जो है आप बोल सकते हैं कि आप स्टिक रहेंगे, इसके ऊपर में स्टिक रहेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा कहा था, क्या कहा था कि स्पेरिकल शेप में एटम का शेप होता है और जो पूरा स्पेरिकल शेप जो होता है ये किससे भरा हुआ होता है, तो पॉजिटिवली चार्जेस से पूरा भरा हुआ रहेगा और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे ऊपर से जो है एम्बेडेड रहेंगे। ठीक है, इस तरीके का मॉडल उन्होंने बताया था। किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज आपको इस पूरे स्पेरिकल में देखने को मिलेगा उतने ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको वहां पे एम्बेडेड दिखाई देंगे। ठीक है, जिससे उस एटम का जो है इलेक्ट्रिकली ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, पहला तो ये समझ में आ गया आपको, स्पेरिकल है, पॉजिटिव चार्जेस पूरे होते हैं उसके अंदर में, फील्ड होते हैं पूरे स्पेरिकल में, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस जो पूरे स्पीयर में आपको देखने को मिलेंगे, सो दैट वो इलेक्ट्रिकली कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, और एक आप यहाँ पे बात बोल सकते हैं, इसमें जो पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव पूरा एम्बेडेड है यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव इधर में, ये आप बोल सकते हैं कि पूरा इधर में एम्बेडेड है ये। ठीक है, पॉजिटिव जो आपको स्प्रेड होते हुए पूरा स्पीयर में दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्जेस कभी बाहर नहीं निकल के आएंगे। थर्ड पॉइंट आप क्या बोलोगे कि इसमें ये जो पॉजिटिवली चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्जेस उस एटम के बाहर में नहीं निकल के आएंगे। अगर कोई निकल के आएगा तो कोई निकल के आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल के आ सकता है इन स्पेसिफिक कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होंगी जिस कंडीशन से कौन निकल के आएगा, अगर एटम से निकल के आएगा तो बाहर निकल के आ सकता है, कौन निकल के आ सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के आ सकता है, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव चार्जेस निकल के नहीं आ सकते, ऐसा थॉमसन का जो मॉडल था वो ये था। ठीक है, अच्छा इसी में ये याद रखना कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल एक्चुअल में क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, ये मॉडल जो दिया था थॉमसन ने, ये मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। और फेल किसकी वजह से हुआ था, तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर बोला यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर बताया एटम का कि ये पॉजिटिवली चार्ज पूरे स्पीयर के अलोंग में दिखेंगे, पूरे ऐसे दिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड वगैरह होते हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आप यहाँ पे बता रहे हो ना, ये कुछ डिफरेंट निकला एक्सपेरिमेंटली ये जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट देखने को मिली, सो दैट ये जो मॉडल है ये क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है,
तो उनका ये जो मॉडल फेल हुआ, तो सही तरीके का मॉडल जो दिया है वो दिया है रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो सही तरीके में एटम को डिफाइन करता है, ठीक है। लेकिन वो मॉडल बताने के भी पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो किन्होंने किया, गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से कुछ चीजें उन्होंने सामने रखी। वो क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे, और फिर उन चीजों पर एनालिसिस करते हुए रदरफोर्ड ने ये बताया कि एक्चुअल में एटम का जो स्ट्रक्चर रहेगा तो वो कैसा रहेगा। बात समझ में आई?